वेलकम टू अंजना थानकीज किचन मॉम। यस, क्या बन रहा है आज? आज साबुत मूंग की सब्जी कुकर में बनेगी। अरे वाह। उसके लिए मैंने 250 ग्राम मूंग को 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। ओके, अब इसका तड़का करेंगे। ओके, इधर तेल ले लिया है? हाँ जी, 2 बड़े चम्मच ऐसा वाला तेल ले लिया है। हाँ जी, तेल गरम हो चुका है। आधी छोटी चम्मच राई डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। राई और जीरा फूट जाने के बाद थोड़ी सी हींग डालेंगे। फ्रेश करी पत्ता है अपने घर का, वो डालेंगे। वाव। 1 मीडियम टमाटर है उसे भी डालेंगे। और 2 मिर्ची और छोटा टुकड़ा अदरक का है उसे भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब मसाला करेंगे। ओके, आधी छोटी चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर है। जितना तीखा खाना है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा मिक्स पाउडर है। ओके, स्वाद अनुसार नमक है, मिक्स कर देंगे। और ये जो मूंग है जो भिगा के रखा है उसे भी इसमें डाल देंगे। वाओ, इसे भी मिक्स कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, मूंग को एकदम खुला खुला करना है, जैसे अभी दिख रहा है ना, उसे बस थोड़ा सा पकाना है। ओके, तो हम ये चम्मच भर के जितना पानी आता है ना उतना ही पानी डालेंगे इसमें। इतना सही? बस इतना ही पानी। और ढक्कन लगा के 1 विसल करेंगे। ओके, 1 विसल के बाद ठंडा हुआ और फिर हम इसे, ओ वाव वाव, इतना बढ़िया दिख रहा है ये। ओहो, देख हो गया ना एकदम मस्त। यस, धुआं निकल रहा है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ओके, ये देख, एक एक मूंग अलग है। वाह, खाने का टेस्ट तो उसकी क्या बात करें, जब आप लोग बनाएंगे तभी पता चलेगा। ग्रीन भी ऐसा का वैसा है, बिल्कुल कलर चेंज नहीं हुआ है, और एकदम मस्त खुला खुला मूंग। इसके साथ पूरी खाइए, आमरस बनाइए या ऐसे भी खाइए, एंजॉय कीजिए। इसको थोड़ी सी धनिया पत्ती से हम गार्निश करेंगे। वाव, तो रेडी है खुला मूंग, और वो भी कुकर में 5 मिनट में बन जाने वाली चीज। ये तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू थैंक यू।